हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और मास्टर्स ऑफ हॉरर सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका 12th एपिसोड हेकल्स टेल, जिसके डायरेक्टर हैं जॉन मैकनॉटन, जिन्हें जाना जाता है हेनरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सीरियल किलर के लिए। और इसके राइटर हैं इस शो के क्रिएटर मैक गैरिस, जिन्होंने चॉकलेट वाला एपिसोड बनाया था। और ये स्टोरी है क्लाइव बार्कर की, जो बना चुके हैं नाइट ब्रीड और हेल रेजर, और कैंडी मैन भी इन्हीं की स्टोरी पर बेस्ड है। तो पिछले एपिसोड अगर आपने नहीं देखे तो उनकी वीडियोज भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी, भी चेक कर लेना। बाकी अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्द से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है 19th सेंचुरी में, और हम देखते हैं एडवर्ड रॉस्टन नाम के एक आदमी को, जो कि अंधेरी रात में एक बूढ़ी औरत के घर पहुंचा है, जिसका नाम है मिस कार्नेशन, और ये अकेली रहती है जंगल के बीचों बीच। रॉस्टन का यहाँ पर आने का मकसद खास है, क्योंकि मिस है एक नेक्रोमेंसर, यानी कि मुर्दों को फिर से जिंदा करने वाली। ये अभी अभी अपनी वाइफ के फ्यूनरल से आ रहा है, और ये चाहता है कि मिज इसकी वाइफ को फिर से जिंदा कर दे, लेकिन मिज राजी नहीं थी। उसका कहना था कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। और रॉस्टन कहता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तो बदले में वो बोलती है कि अगर सच में ऐसा है तो उसे चैन से सो जाने दो। और रॉस्टन अड़ा हुआ था, इसलिए मिज ने बोला कि पहले मेरी एक कहानी सुनो, इसे सुनने के बाद अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारी वाइफ को जिंदा कर दूंगी, जिसके लिए वो मान गया। कहानी वो सुनाती है अर्नस्ट हेकल की, जो कि दुनिया से एकदम अलग था। उसका मानना था कि गॉड कुछ नहीं होता, हम खुद ही गॉड हैं। वो एक मेडिकल स्टूडेंट था, और उसका प्रोफेसर हमेशा बोलता था कि गॉड ही लाइफ देता है और वही लेता है, लेकिन हेकल इस बात से असहमत था। एक दिन प्रोफेसर के साथ बहस करते हुए वो उसे बताता है विक्टर फ्रैंकेंस्टाइन के बारे में, जिसने फ्रैंकेंस्टाइन मॉन्स्टर बनाया था, यानी कि किसी मरे हुए को लाइफ दी थी, और हेकल भी उसी के रास्ते पर चलकर इन सबको गलत साबित करना चाहता है। लेकिन प्रोफेसर के मुताबिक फ्रैंकेंस्टाइन वाली सारी बात बकवास है। तब हेकल ने उसे चैलेंज किया कि मैं तुम सबके सामने इसे साबित करके दिखाऊंगा, एक मुर्दे को फिर से जिंदा करके। एक तूफानी रात में वो सब जमा हुए, और हेकल ने अपना प्रयोग शुरू किया, जो वो कर रहा था एक फीमेल डेड बॉडी पर, जो कि एक हफ्ते पहले मरी थी। सारा तामझाम सेट करके उसने आसमान वाली बिजली का झटका उस बॉडी को दिया, जिससे वो फिर से जिंदा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा वो पूरी बॉडी झुलस गई, और सबके सामने हेकल का मजाक बन गया। अब ये बहस करने लायक बचा ही नहीं। उन सबके जाने के बाद उसने बॉडी को बर्नर में डाल दिया, और तभी उसके पास आया उसका सप्लायर, जो कि एक फ्रेश बॉडी लेकर आया था कल रात मरे एक आदमी की। लेकिन अब हेकल को कोई बॉडी नहीं चाहिए, किसी को लाइफ दे पाना इसकी पहुँच से बाहर है। तब वो आदमी हेकल को बताता है एक नेक्रोमेंसर के बारे में, जिसका नाम है मोंटेस्किनो, और वो सबके सामने मुर्दों को फिर से जिंदा करके दिखाता है अपनी काली विद्या से। पर हेकल को ये सब बकवास लग रहा था, क्योंकि वो सिर्फ भरोसा करता है साइंस में, ना कि काले जादू में। और फिर भी क्यूरियोसिटी के चलते वो उसका शो देखने पहुंच गया। मोंटेस्किनो बता रहा था कि जो मैं करता हूं वो कोई भी नहीं कर सकता, मैंने कई साल गवा कर ये सीखा है, और जब भी मैं किसी को लाइफ देता हूं तो उस एक लाइफ के बदले मेरी लाइफ का एक साल कम हो जाता है, तो किसी को जिंदा करने की कीमत मैं भी चुकाता हूं। हेकल ने उसे चैलेंज कर दिया कि दम है तो मेरे सामने किसी को जिंदा कर, तब मैं मानूंगा। तो मोंटेस्किनो ने उसे एक मरा हुआ डॉग दिखाया, जिसे उसने डाल दिया बास्केट में, फिर कुछ मंत्र बोले, जिससे वो डॉग सबके सामने फिर से जिंदा हो गया, लेकिन जैसा मरा था वैसा नहीं, बल्कि एकदम इविल। मोंटेस्किनो को उसे फिर से शूट करके मारना पड़ा। अब इतना तो हम समझ गए कि मुर्दे को ये फिर से जिंदा तो कर सकता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं लौटेगा। वो बताता है कि जानवर को वापस लाना तो फिर भी आसान है, पर किसी इंसान को लाना काफी मुश्किल, क्योंकि इंसान के अंदर सोल होती है लेकिन जानवरों के अंदर नहीं होती। कॉन्ट्रोवर्शियल। यार, ये देखने के बाद एक कपल उसके पास आया और बोला कि हमारी बेटी को जिंदा कर दो, पर फ्री में ये कोई काम नहीं करता। अपनी लाइफ के एक साल के बदले में वो मांग रहा था $100, जो कि उनके पास थे नहीं, और उस टाइम पर वैसे भी बहुत ज्यादा थे। तब तो हेकल वहां से चला गया, लेकिन रात होते ही वो फिर से आ गया, क्योंकि जो उसने अपनी आंखों से देखा उसे कैसे नकारे। वो आया था ये कला सीखने, और साथ में लाया था एक विस्की बॉटल, जिसे देखकर मोंटेस्किनो गुस्सा हो गया, क्योंकि इस कला को सीखने की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। फिर भी विस्की लेकर उसने हेकल को भगा दिया, जिससे हेकल भी समझ गया कि उसे कुछ भी नहीं आता, अगर आता तो सिखा देता। अगले दिन उसे पता चलता है कि उसके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके पास ज्यादा दिन नहीं बचे। ये जानकर वो उसी वक्त अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में रुककर वो थोड़ी पेट पूजा कर रहा था, तभी ऊपर से उसके ब्रेड पर कुछ गिरा, तो उसने देखा कि ऊपर लटकी हुई थी एक लाश, जो उसके ब्रेड पर मेयोनीज गिरा रही थी। बस फिर तो वो ब्रेड को फेंक कर वहां से चल दिया, और बस चलता ही रहा। रात में बहुत तेज बारिश होने लगी, इसलिए वो एक शेड के नीचे बैठ गया, और वहां पर एक मकड़ी को अपने हाथ में लेकर उसने रौंद दिया।
लाइफ दे नहीं सकता पर ले तो सकता है, आधा गॉड बनने की फील तो ले। पर गॉड ये क्या ही बनेगा, एक चूहे को देखकर तो उसके प्राण निकल गए। और तभी वहां पर आ गया वाल्टर नाम का एक आदमी जो उसे चले जाने के लिए बोल रहा था, और उसका कहना था कि रात को यहाँ पर रुकना ठीक नहीं क्योंकि पीछे है कब्रिस्तान। उसने हेकल को बोला कि मेरा घर पास में ही है, वहां पर तुम्हें खाना भी मिलेगा, सोने के लिए बेड भी मिलेगा और बारिश से भी बचोगे। ये सुनकर हेकल भी उसके घर पहुंच गया जहां पर वाल्टर रहता है अपनी जवान बीवी अलीस के साथ, जिसे देखकर हेकल का दिमाग भी हैक हो गया। इतनी सुंदर लड़की इस बूढ़े आदमी के साथ क्या कर रही है। उसके मन में अचानक से पछतावा आ चुका था कि मैंने इतने सालों तक क्या किया, किसी को जान देने से अच्छा तो मैं किसी को जान बना लेता। वाल्टर को भी उसके विचार साफ दिखाई दे रहे थे उसके चेहरे से, पर वो कुछ बोला नहीं। फिर वो खाना खाने बैठ गए, पर तब भी हेकल का वही सब जारी था, एक तो इसे घर में लिया ऊपर से ये सब भी देखो। परेशान होकर वाल्टर उसे बोली देता है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो और वो सोचना जायज भी है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि प्यार बड़ी अजीब चीज है। जब ये दोनों बातें करने में बिजी थे, इस बीच अलीस विंडो के पास खड़ी होकर बस बाहर देखे जा रही थी जैसे बाहर से कोई आएगा। फिर वाल्टर के कहने पर वो हेकल का बिस्तर लगाने चली गई, और ये मौका हेकल कैसे छोड़ देता। वो अलीस को फंसा रहा था लेकिन अलीस उसके जाल में नहीं फंसी, वो जाकर फिर से विंडो पर ही खड़ी हो गई और न जाने कौन उसे सेड्यूस कर रहा था। उसे देखते देखते थकान के मारे हेकल सो गया, पर रात में अचानक से उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वाल्टर मोंटेस्किनो को पैसे दे रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि अलीस एक बच्चे को दूध पिला रही थी। तभी अचानक बाहर से काफी भयानक आवाज आई जिसे सुनकर अलीस बाहर चली गई और वाल्टर उसे रोकता रह गया। ये देखकर तो हेकल को भी उठना पड़ा क्योंकि वाल्टर बैठा रो रहा था, और ये देखकर हेकल को लगा कि शायद अलीस मोंटेस्किनो के पास गई है, लेकिन ऐसा था नहीं। वाल्टर उसे बताता है कि वो अलीस का सेकंड हस्बैंड है, उसका पहला पति मर गया था जिसके बाद इसने अलीस से शादी की, पर ये अलीस को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, और ये तो क्या बल्कि कोई भी नहीं। ये सुनकर हेकल कहता है पर तुम्हारा तो एक बच्चा है। तब वाल्टर बताता है कि वो बच्चा मेरा नहीं है, वो है उसके पहले पति का, और अब भी वो गई है अपने पहले पति के पास। इस बात की कोई सेंस नहीं बन रही थी इसलिए हेकल भी बाहर चला गया, तो उसके पीछे गन लेकर जाना पड़ा वाल्टर को। अलीस के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो दोनों आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में उन्हें मिला वही डॉग जिसे मोंटेस्किनो ने फिर से जिंदा किया था, यानी कि जो दोबारा जिंदा हो गया उसे मारा नहीं जा सकता। हेकल ने भी कोशिश की एक पत्थर से उसका फेस क्रश करके, लेकिन तब भी वो नहीं मरा क्योंकि वो तो पहले से डेड है। तब वो दोनों आगे बढ़े और पहुंच गए कब्रिस्तान में जहां पर चल रहा था मुर्दों का कार्यक्रम। अलीस लगी पड़ी थी अपने डेड हस्बैंड के साथ जिसे वाल्टर ने ही जिंदा करवाया मोंटेस्किनो को पैसे देकर, क्योंकि अलीस को सिर्फ वही चाहिए। यह नेक्रोमेंटिक यानी कि मुर्दों के साथ रोमांटिक, बाकी मुर्दे जो खड़े होकर देख रहे हैं उनका भी नंबर आएगा। जैसा कि वाल्टर ने बोला था, प्यार बड़ी अजीब चीज है, अलीस के लिए इसे ये सब करना ही पड़ा। अब वो अलीस के पास जा रहा था उसे घर ले जाने के लिए, लेकिन मुर्दों ने उसे ही पकड़ कर चीर दिया क्योंकि उनकी बारी तो अभी आई नहीं। हेकल मोंटेस्किनो से कहता है कि ये सब बंद करवाओ, लेकिन बंद ये हो नहीं सकता। मोंटेस्किनो भी अपनी जान बचाकर भागा तो उसे मार दिया हेकल ने, और मरने से पहले उसने बस इतना बताया कि जब सूरज निकलेगा तभी ये सब रुकेगा, उससे पहले नहीं। ये बोलकर उसने हेकल को धक्का मारा और फिर वो मर गया, और हेकल का सर पत्थर पर लगा इसलिए वो भी हो गया बेहोश। फिर सुबह तक ये कार्यक्रम चलता रहा और सूरज निकलते ही सब अपनी अपनी कब्रों में चले गए। हेकल जागा तो वो भी वापस घर में पहुंचा जहां पर एलिस अपने बच्चे को खिला रही थी, और क्योंकि वो बच्चा इसके डैड हस्बैंड का है इसलिए वो बच्चा भी है पापी गुड्डा, आई मीन मुर्दा बच्चा, अपने बाप की तरह हैंडसम। अलीस हेकल से जिद कर रही थी कि इसे खिलाओ, और जैसे ही वो उसे खिलाने लगा वो तो सच में उसे खा गया, इसके दूध के दांत या खून के दांत। खैर कुछ इस तरह इस रात हेकल का भी नंबर लग गया, और लाइन में खड़े थे वाल्टर और मोंटेस्किनो। ये थी वो कहानी जिसे सुनकर रॉस्टन इतना परेशान हो गया कि उसे भी ये सब झूठ लग रहा था। पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये वही घर है जो हमने कहानी में देखा, क्योंकि मिजी है अलीस। ये बात तब साबित हुई जब उसका डेड हस्बैंड उसके पास आया, ऊपर से वाल्टर आया उसके पापी गुड्डे को लेकर, और इधर से आया हेकल। इस प्यार भरी फैमिली को देखकर रॉल्सन इतनी तेज भागा कि फिर वो दिखाई नहीं, और उसके जाते ही ये तीनों लग गए लाइन में। इसी के साथ ये एपिसोड हुआ खत्म। तो हर बार की तरह आखिर का ट्विस्ट कमाल का था, हालांकि स्टोरी में काफी बार कोशिश की गई थी हमें भटकाने की ताकि एंड का रिवील भी हम गैस ना कर पाए, ट्विस्ट तो रहा दूर। मोंटेस्किनो ने जब भगा दिया तब हेकल को उसके बीमार फादर की खबर मिली, जिससे हमें लगा कि अब इसका फादर मर जाएगा और ये भी मोंटेस्किनो की हेल्प से अपने फादर को फिर से जिंदा करेगा, पर जो लौटेगा वो इसका फादर नहीं होगा। ये तो हुआ नहीं। फिर वो लटकी हुई लाश मिली तो हमें लगा कि शायद कुछ और एंगल आएगा, बीमारी वगैरह वाला, लेकिन वो भी नहीं हुआ।
फिर अचानक रात में कहीं से वॉल्टर आया और हेकल को अपने घर ले गया जहां पर उसकी जवान वाइफ थी। तो हमें लगा कि अब तो हेकल मरेगा, पर वो सीन भी नहीं था। फिर लगा कि हेकल अलिस को फंसा लेगा, फिर शायद उससे कोई सीन बनेगा, लेकिन नहीं। फिर जब हमने वॉल्टर को देखा मोंटेस्किनो को पैसे देते हुए, तब हमें लगा कि शायद मोंटेस्किनो ने हेकल को फंसाया है। उसने हेकल की जानकारी वॉल्टर को दी जिसके बदले पैसे लिए, और अब वॉल्टर हेकल का कुछ करेगा, पर वो भी नहीं हुआ। जो हुआ उसके बारे में सोचने का मौका हमें मिला ही नहीं। ये थी थोड़ी क्लेवर राइटिंग। आपको बता दूं कि पहले जॉर्ज रोमेरो इसे डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन उनका शेड्यूल बिजी था, पर एपिसोड के स्टार्ट में उनका नाम जरूर आता है। फिर ये काम जा रहा था रॉजर कॉर्मन के पास, जिन्हें सिग्गल भी ऑफर हुआ था, पर यह बात भी नहीं बनी। तब जाकर इसे डायरेक्ट किया जॉन मैकनॉटन ने, और रिलीज का रोल किया लीला सिल्वेस्टर ने, जिन्हें जॉन ने क्लियरली बोला था कि तुम्हें एक न्यूड सीन शूट करना पड़ेगा जिसमें तुम्हारा रोमांस होगा ज़ॉम्बीज के साथ, और इसके लिए वो मान गई थी, तभी उन्हें ये रोल मिला। तो अब आप बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा। जितने ज्यादा कॉमेंट्स होंगे उतनी जल्दी आखिरी एपिसोड आएगा, और पापी गुड डे के लिए एक लाइक तो बनता है। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशंस को बार बार बुलाना ना पड़े। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं मिलता हूँ आखिरी एपिसोड में, तब तक के लिए सबको बाय।